आज मैं राहुल भोज आपसे डिस्कस करूंगा बॉलीवुड की ऐसी अपकमिंग फिल्म्स जो कि है बहुत ही ज्यादा बिग बजट की। सारी ये बातें एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। तो सबसे पहले जो मेरे रडार पे फिल्म आती है वो है पद्मावती। पद्मावती के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली सर। इसमें एक्टर्स हैं रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर। फिल्म का जो बजट था वो था 160 करोड़ तक का, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस फिल्म का जो बजट हो गया वो है 200 करोड़। मैं बता दूं आपको कि संजय लीला सर ने जब बाहुबली द कंक्लूजन देखी और उसका जो एंडिंग पोर्शन और जो पूरे सीन्स देखे तो उनको भी मोटिवेशन मिला और उन्होंने फिल्म का बजट बढ़ाकर 200 करोड़ तक का कर दिया। अगली जो फिल्म है वो 2017 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसका नाम है टाइगर जिंदा है। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अली अब्बास जाफर साहब। और इसमें जो एक्टर्स हैं बताऊंगा नहीं, हमारे भाईजान है यार, सलमान खान है इसमें और कैटरीना कैफ है। फिल्म के अगर बजट की मैं बात करूं तो फिल्म का बजट है 150 करोड़ तक का बजट। सच अ ह्यूज अमाउंट यार। दोस्तों अगली जो फिल्म है वो 2018 की मच अवेटेड फिल्म है। हालांकि फिल्म रिलीज होने वाली थी दिवाली 2017 में। मैं बात कर रहा हूँ रोबो 2.0 की। जी हाँ दोस्तों, चिट्टी फिर से वापस आ रहा है आपको एंटरटेन करने के लिए, यानी कि रजनीकांत फिर से वापस आ रहे हैं और इसमें उनके ऑपोजिट होंगे अक्षय कुमार सर। फिल्म के बजट की अगर मैं बात करूँ तो वो है 450 करोड़ का। बहुत ही ज्यादा का बजट है। क्यों? क्योंकि फिल्म में VFX का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ टेक्निकल एस्पेक्ट में फिल्म यहाँ से यहाँ तक है। अगली जो फिल्म है वो है दबंग 3, यानी कि दबंग 3। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अरबाज खान और ये फिल्म 2018 में आने वाली है। सलमान खान अपना जो कैरेक्टर था चुलबुल पांडे का कैरेक्टर, उसे फिर से रिवाइव करेंगे। फिल्म के अगर बजट की बात करूं तो मीडिया में खबरें हैं कि फिल्म का बजट 85 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक के बीच का होगा। मतलब अगर बजट इतना है तो फिल्म कितना ज्यादा कमाएगी, है ना गाइस? सोचो और मुझे बताओ नीचे कमेंट में। दोस्तों अगली जो फिल्म है वो है 15 अगस्त 2018 को रिलीज होने वाली फिल्म गोल्ड। इस फिल्म का जो डायरेक्शन पोर्शन संभाल रही हैं वो हैं रीमा कार्ती जी। और फिल्म में बलबीर सिंह का कैरेक्टर निभाएंगे अक्षय कुमार साहब। फिल्म के बजट की अगर मैं बात करूं तो फिल्म का बजट लगभग 80 करोड़ तक का बजट है। 2018 की दिवाली में इस बार शाहरुख खान नहीं आ रहे, इस बार आ रहे हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान साहब। फिल्म आ रही है उनकी जिसका नाम है थग्स ऑफ हिंदुस्तान। फिल्म की अगर मैं बजट की बात करूं तो फिल्म है 210 करोड़ तक का बजट है फिल्म का। और फिल्म के एक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कास्ट है। आमिर खान तो हैं इसमें, अमिताभ बच्चन सर हैं इसमें, फातिमा सना शेख है, वो दंगल वाली लड़की याद है आपको, वो है, और हमारी प्यारी सी बेबी डॉल है जिसका नाम है कैटरीना कैफ। फिल्म का जो डायरेक्शन पोर्शन संभाल रहे हैं वो है विजय कृष्णा आचार्य जी, जिन्होंने धूम 3 बनाई थी। अगली जो फिल्म है गाइज वो है क्रिश 4, जिसमें ऋतिक रोशन बनते हैं अपने सुपर हीरो क्रिश और इसे बनाते हैं हमेशा की तरह राकेश रोशन सर। राकेश सर इसमें जो बजट डाल रहे हैं वो है 200 करोड़ तक का बजट। एक दिमाग में क्वेश्चन मेरे उठ रहा है, क्या प्रियंका चोपड़ा प्रिया मेहरा का कैरेक्टर फिर से रिवाइव करेंगी या नहीं, ये आप मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। 2018 क्रिसमस में इस बार आ रहे हैं हमारे किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान साहब। और फिल्म का जो टेंटेटिव टाइटल अभी मैं बता रहा हूँ वो है कैटरीना मेरी जान। फिल्म में वो डॉफ बने हैं, मतलब एक बौना आदमी बने हैं। फिल्म में उनके ऑपोजिट होंगी कैटरीना कैफ, जाहिर सी बात है क्योंकि नाम में ही कैटरीना का नाम आ रहा है, और उनके ऑपोजिट हैं अनुष्का शर्मा। फिल्म का डायरेक्शन पोर्शन संभाल रहे हैं आनंद एल राय साहब। फिल्म की अगर मैं बजट की बात करूं तो फिल्म का बजट 150 करोड़ तक का हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें VFX का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होने वाला है शाहरुख खान को बौना आदमी यानी कि ड्रॉप बनाने के लिए। सो गाइज ये तो थी वो लिस्ट जो कि 2017 और 2018 में बिग बजट फिल्म आ रही है। आपको किस मूवी का है इंतजार ये बताइए हमें, जिस किसी भी फिल्म का आपको इंतजार है नीचे कमेंट सेक्शन, आपका अपना सेक्शन, उसमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए।